हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी एन सर। देखिए फ्रेंड्स, हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है, उसका थियोरेटिकल पार्ट हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है, इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर को वन शॉट लेक्चर में, मतलब इस पूरे वीडियो लेक्चर में बहुत ही कम समय में फुली रिवाइज करेंगे, ठीक है। लुक हियर, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में ये फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला का लिस्ट जो है मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, जैसे साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक, ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस, e^x, e^x, 1/x, x^n, 1/√1 - x^2, 1/1 + x^2, 1/√1 - x^2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हम कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहे फॉर्मूले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूले हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इस चैप्टर में। फिर इसके बाद देखिए ये मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये इस वैसे तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में आपको स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में मेथड जो रहेंगे इंटीग्रेशन के उसके ऊपर ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। डायरेक्ट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये डायरेक्ट मेथड का पार्ट है। ये डायरेक्ट मेथड का पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। आपको इस चैप्टर में स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस, ये जो तीन मेथड्स इस चैप्टर में है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने इस चैप्टर में देखा है, पहला मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इन मेथड्स पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन मेथड्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से हमें करना है। हमने इस मेथड में जितने भी एक्सरसाइज है, मेथड वाइज जो भी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में है, उन एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से हमने सीखा है, बहुत अच्छी तरह से वहां पे हमने उसे देखा है, ठीक है। तो देखिए मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें जो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका थ्योरम नंबर वन, ये आपको एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी फाई डैश ऑफ टी डी टी, ये थ्योरम का प्रूफ आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि ये थ्योरम आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब देखिए इसी थ्योरम के ऊपर करोलरीज है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये करोलरी हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन हम इस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पे tan x और cot, tan x cot x sec x cosec x, इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस फाइंड करने के लिए हमने इस करोलरी को यूज किया है, ओके। फिर इसके बाद करोलरी है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x, यहां पे रूट नहीं है, यहां पे रूट है। अगर रूट में क्वांटिटी जो प्रेजेंट है उस क्वांटिटी का, मतलब डिनोमिनेटर में रूट में जो क्वांटिटी प्रेजेंट है उस टर्म का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहता है तो उसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये कोरोलरी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर इसके बाद है एफ ऑफ एक्स रेस टू एन एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके साथ में प्रेजेंट हो तो इसका इंटीग्रेशन हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। फिर इसके बाद है अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन वन अपॉन ए जी ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से ले सकते हैं। इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन लेने के लिए करोलरी है। तो इस प्रकार से हर एक, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हर एक फॉर्मूले का, इसमें से हर एक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है इन टर्म्स ऑफ कंपोजिट, इस करोलरी को यूज करके हम ले सकते हैं। इस टाइप के भी हर एक प्रॉब्लम को हमने बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे सीखा है, इसलिए मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट रहेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स पार्ट वन और मैथ्स पार्ट टू सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, स्पेशली इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर इसका भी है। तो आप जो भी आपको एक्सरसाइज लगती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वेश्चन आपको देखना है उसका सोल्यूशन, तो आप प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए, वहां पे थंबनेल के ऊपर से आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इस वीडियो में देखिए कहां से कहां तक क्वेश्चन, कौन सा एक्सरसाइज है और कहां से कहां तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर में। तो प्लेलिस्ट को जरूर सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट के लिंक पर, मतलब वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है पी आंसर क्लास 12, इसे भी आप ज्वाइन कीजिए, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपका एमसीक्यू टेस्ट हो चाहे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो, ये सभी टेस्ट जो है ये हैंडल करते हैं हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे।
ये उस टेलीग्राम ग्रुप और जिस वेबसाइट पे आपको ये क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, आज हमारा जैसे एमसीक्यू टेस्ट है, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है, दोनों टाइप के हम टेस्ट लेते हैं हर एक चैप्टर पे। जैसे 20 क्वेश्चंस का 40 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू टेस्ट है और 25 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस हमने वहां पे दिए उन क्वेश्चन पेपर को आपके साथ रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर हमने इन क्वेश्चन पेपर को फ्रेम किया है। और अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास रखते हो उन्हें, तो उन्हें अगर ठीक तरह से आप देखते हो तो जो भी क्वेश्चन पेपर्स अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन पेपर में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली यहां पर रिपीट होते हैं। इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास रहना बहुत जरूरी है, उनके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में ये सभी बातें आपको करनी है। हम भी इस चैनल पे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी इसके पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से उन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अच्छी तरह से हम हमारे चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इस वीडियो को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये जो कॉरोलरी है ये तो आपको याद रखनी है, लर्न करनी है, क्योंकि ये कॉरोलरीज हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज कर रहे हैं। ओके, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। अब मैंने आपके सामने जो 7 फॉर्मूले रखे हैं इनमें से एक फॉर्मूला आपको 3 मार्क्स के लिए एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। तो मेरी आप सभी से एक सजेशन रहेगा मेरा आप सभी के लिए, इन सभी फॉर्मूले के प्रूफ को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इन फॉर्मूला को हमने हमारे वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से सीखा है, तो इन सभी के प्रूफ्स आपको प्रिपेयर करने हैं, फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों को हमने प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फ्रीक्वेंटली यूज किया है। इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे, उसके सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से हमने देखे। तो देखिए ये जो फॉर्मूले है 1/x² + a² 1/x² - a² 1/a² - x² 1/√a² - x² 1/√x² + a² 1/√x² - a² और 1/x√x² - a² इन सभी फॉर्मूले को अच्छी तरह से लर्न कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स का, इस फॉर्मूला का प्रूफ भी आपको एग्जामिनेशन में 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसका प्रूफ बहुत ईजी है, इसका प्रूफ अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इसके प्रूफ का वीडियो लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप उसे सर्च कीजिए। ओके, तो ये आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में। और इसके बाद देखिए इसे यूज करके ही अब ये कॉरोलरी इस प्रकार की इंटीग्रेशन ऑफ e^2x f(x)f'(x)dx रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन e^f(x)c। इसी प्रकार की ये कॉरोलरी है e^mx f(x)f'(x)dx रहेगा, मतलब जो फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है उसी फंक्शन का अगर साथ में डेरिवेटिव है तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन रहेगा e^mx f(x)c। और बीच में मैंने जो 3 फॉर्मूले लिखे हैं, देखिए ये फॉर्मूले इनमें से एक फॉर्मूला आपको एग्जामिनेशन में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो ये तीनों फॉर्मूले अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इन तीनों फॉर्मूले को यूज करके भी हमें प्रॉब्लम, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके बाद का जो एक्सरसाइज आता है उस एक्सरसाइज में इसके प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए। इन तीनों फॉर्मूले को डिराइव करते समय हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया है, इसे हमने यू कंसिडर किया है और वी को हमने 1 कंसिडर किया है। देखिए जब यहाँ पे दो फंक्शन में से u किसे लेना है v किसे लेना है ये जो चॉइस इस वर्ड के जो अक्षर से लेटर से इसके सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। अगर लॉगरिथमिक इनवर्स ऐसे दो फंक्शन उसमें आते हैं प्रोडक्ट में तो पहले l आता है फिर बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो इसके लिए l इसे u कंसिडर करेंगे इसे v कंसिडर करेंगे। अगर सपोज दो फंक्शन के प्रोडक्ट में अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आता है तो अल्जेब्रिक को हम u कंसिडर करेंगे, एक्सपोनेंशियल को v कंसिडर करेंगे, क्योंकि l i a t e में पहले a आता है फिर बाद में e आता है। तो इस वर्ड के अक्षर का इस वर्ड में जो लेटर प्रेजेंट है 5 लेटर्स यहाँ पे l मतलब लॉगरिथमिक, i मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, a अल्जेब्रिक, t ट्रिग्नोमेट्रिक और e एक्सपोनेंशियल। तो जिस सीक्वेंस में इस वर्ड के अक्षर प्रेजेंट है उसी सीक्वेंस में हमें u और v को चॉइस करना है, ये भी हमने इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर सपोज कभी दो फंक्शन सेम कैटेगरी के है तो उसमें जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा
सेम कैटेगरी है, मतलब अगर दोनों लॉग है, दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों अल्जेब्रिक है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों एक्सपोनेंशियल, ऐसा कुछ सेम कैटेगरी के अगर दो फंक्शंस वहां पे आते हैं तो उन्हें इंटीग्रेट करते समय किसे यू किसे वी जब आपको चॉइस करना है तो हम ये देखेंगे किस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना हमारे लिए कन्वीनियंट है। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना हमारे लिए कन्वीनियंट है उस फंक्शन को हम वहां पे वी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन तीनों फॉर्मूले के प्रूफ अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो तो ये तीनों में से तीनों फॉर्मूले एग्जामिनेशन में पूछे गए अब तक, मतलब अल्टरनेट एग्जामिनेशन में इनको पूछा गया है। जैसे ये कभी एक एग्जाम में आएगा एग्जाम में, मतलब हर एक फॉर्मूला एग्जामिनेशन में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आप ढूंढते हो तो देखते हो तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिलेगा ही। तो इसलिए इन तीनों फॉर्मूले के प्रूफ अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इन तीनों ही फॉर्मूलों को हम डिराइव करते समय प्रूव करते समय हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यही मेथड यहाँ पे यूज किया है। इसे हमने हर टाइम यू लिया है और वी वहां पे हमने वन लिया है। फिर इसके बाद जो थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, देखिए ये तीसरा मेथड है, इसके प्रॉब्लम भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर्स को देखिए इस चैप्टर के और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। तो इस चैप्टर में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इस चैप्टर में थ्री मेथड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अगर ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो इसके बाद का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर है उसका प्रिपरेशन, आपका आधा प्रिपरेशन यहीं पे होता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में ये तीनों मेथड यूज करके हमें वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंट, ये जो है यहाँ पे लिमिट्स रहेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इतना ही चेंज रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में साथ में वहां पे 8 प्रॉपर्टीज भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे, उसमें से 7 और 8 नंबर का जो प्रॉपर्टी है इन प्रॉपर्टी को फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी तो एक बार इस, मतलब ये जो जब भी आप इसका प्रिपरेशन करते हो तो पहले ये देख लीजिए कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के प्रॉब्लम, एक बार आपने उसे देखना ही चाहिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, किस प्रकार के प्रॉब्लम इसके ऊपर पूछे गए। देखिए अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो पी आंसर क्लास 12, तो वहां पे मैंने हर एक चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चन को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे अवेलेबल, मतलब आपको वहाँ पे दिया है। तो आप प्लीज़ वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को कलेक्टिवली मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, वहाँ पे दे दिया है। तो आप उसे अच्छी तरह से देखिए। और साथ में हमारा जो अब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर का जो टेस्ट है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उसे भी अटेम्प्ट कीजिए, जो एमसीक्यू टेस्ट है उसे भी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट आपको एमएसटी सीईटी 2021 के लिए यूजफुल रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको एचएससी 2021 के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। देखिए स्टूडेंट आपका इस साल का एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड का मई में होगा, अब यह दिसंबर महीना चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 महीने हमारे पास है। इस 5 महीने में हम सिलेबस किस प्रकार से कवर कर सकते हैं इसका भी वीडियो मैंने पब्लिश किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसे भी आप जरूर देखिए। उस वीडियो को अगर आप देखते हो तो 5 महीने का आपका जो भी प्लानिंग है आप ठीक तरह से प्लानिंग कर सकते हो हमारे सब्जेक्ट का। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए कि इस हमारे मैथमेटिक्स को आप 3 आवर्स दीजिए डेली, इसमें से 1.5 आवर पार्ट वन को रहेगा, 1.5 आवर पार्ट टू को रहेगा। तो डेली आपको ये करना है कि 3 आवर्स एनी हाउ 3 आवर्स हमें इस सब्जेक्ट के लिए देने ही हैं। ओके, क्योंकि देखिए अगर आप 3 घंटे इस मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से दे सकते हो, मतलब देंगे आप, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से होगा और आप इजीली अच्छा स्कोर मैथमेटिक्स में कर पाओगे, ठीक है। साथ में इस साल बोर्ड ने थोड़ा सा चेंज किया आपके प्रैक्टिकल के बारे में, तो आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है इसके लिए स्टेट बोर्ड ने खुद का एक बुक पब्लिश किया है, उसी बुक में आपको प्रैक्टिकल वर्क जो भी कैरी ऑन आप करोगे उसको वहीं पर लिखना है। तो उस प्रैक्टिकल बुक का भी हम सोल्यूशन डे बाय डे आपके लिए थ्रू वीडियो लेक्चर ला रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर है लॉजिक, तो इसका मेरा वीडियो पब्लिश हुआ है प्रैक्टिकल वर्क का, जो प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस उस बुक में बोर्ड ने दिए वहाँ पे उसके लिए स्पेस रखा है, तो उन्हें भी हम अच्छी तरह से सॉल्व करके आपके लिए यहाँ पे वीडियो पब्लिश कर रहे हैं। तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए और आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है उसे भी अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।